आपको दिखाते हैं अभी रिपोर्ट। आपने हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी की देखी, किस तरीके से दिल्ली के आनंद विहार इलाके में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क का। ये देखिए, एक शख्स मास्क उतारकर चल रहा है, मास्क है लेकिन मास्क उतारकर चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, हालांकि तस्वीरों में लोग मास्क तो लगाए हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें देख लीजिए। आनंद विहार की हमने तस्वीर आपको दिखाई, गाजीपुर मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बहुत सारे लोग तो यहां पर बिना मास्क के नजर आए। बड़ा सवाल खड़ा होता है, मास्क लगाएंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, ऐसे में कोरोना रुकेगा कैसे, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं मामले। इम्यूनोजेनिक है, इफेक्टिव है, बहुत सारे लोगों को इन विषयों के बारे में अभी भी डाउट है, तो मेरा उन सब लोगों से ये कहना है कि आप इस संदर्भ में वैज्ञानिकों की बात को सुनो, सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बातें चलती हैं उन पर कतई विश्वास ना करें। ऑथेंटिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा सब प्रकार के अध्ययन के बाद कंपाइल करके और देश के लोगों से शेयर किया जाता है, उन्हीं इंफॉर्मेशंस के ऊपर आप विश्वास करें। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दूसरी डोज लेने के भी लगभग दो हफ्ते के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, इसलिए वैक्सीनेशन ले लिया उसके बाद आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, दो गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन्स देश के अंदर लगाई गई हैं। अभी 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर